यूपी के बदायूं में बेखौफ बदमाशों ने रिटायर्ड शिक्षक के बंद पड़े मकान पर धावा बोलकर घर में रखे गहने नकदी समेत 25 लाख के माल पर हाथ साफ कर दिया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से लोग खौफ ज़दा हैं। वहीं घटना की सूचना से पुलिस महकमे में भी खलबली मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मौका मुआयना कर मामले की तफ्तीश में जुट गई। दरअसल पूरा मामला उजहानी के मोहल्ला बहादुरगंज का है, जहां लालमन की पुलिया निवासी शिक्षक यूके मिश्रा किसी कार्य से बदायूं गए थे। उनका बेटा स्वप्निल अपनी मोबाइल की शॉप पर था और पुत्र वधु ब्यूटी पार्लर पर थी। वहीं गृह स्वामी की बेटी कोचिंग का समय होने पर घर का ताला लगाकर चाबी दुकान पर देते हुए कोचिंग चली गयी। इसी दौरान चोरों ने खाली घर होने का फायदा उठाकर घर को निशाना बनाकर वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। तभी देर शाम पहुंचे घर मालिक ने देखा तो उनके होश उड़ गए, जिसके सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि चोर घर में रखे 60,000 रुपए, 5 सोने की अंगूठी, हाथ फूल, चांदी के सिक्के आदि चोरी कर ले गए। फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जाँच पड़ताल में जुट गयी है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।